खरगोन जिले के टांडा बरौड़ में नवरात्रि पर्व के चलते माता मंदिर में सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। यहाँ के दुर्गा माता मंदिर में शंभू सेना ने देश के महापुरुषों का चरित्र चित्रण आकर्षक साज सज्जा के साथ किया। भवानी माता मंदिर और बागेश्वरी माता मंदिर में रोज आकर्षक साज सज्जा के साथ भजन कीर्तन हो रहे हैं। बागेश्वरी माता मंदिर में कन्या भोज का आयोजन किया गया। बागेश्वरी माता मंदिर कमेटी की सेविका कुसुमलता उदेनिया ने बताया कि माता रानी के कुंड में स्नान करने से कई चर्म रोगों से निजात मिलती है। इस झिरावली माता में मंदिर में दूर दूर से लोग आकर स्नान कर माँ बागेश्वरी के दर्शन करते हैं और रोग मुक्त हो जाते हैं। टांडा बरौड़ से रामेश्वर कुमराव की रिपोर्ट। भाई साहब, ये लॉकडाउन के चलते आज यहाँ पर माता रानी के यहाँ भंडारा हो रहा है और यहाँ पर दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए और माता रानी के भंडारे में आते हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? ये माता रानी बागेश्वरी मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और आज यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम रखा हुआ है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत प्राचीन बहुत मान्यता है। क्या नाम है आपका? ललित सोनी। भंडारा हो रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे? भैया, यहाँ हमेशा से होता आया है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये जो झिरा है ना, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो बहुत सारे दूर दूर के लोग आते हैं और वो अच्छे होके जाते हैं, इसलिए हमेशा ये सात मात्रा है तो सात मात्रा देवी के सप्तमी को ही कन्या भोजन होता है, इसलिए वो परम्परा अनुसार कन्या भोजन रखा गया है। पूरे गाँव के लोग भाग लेते हैं, सभी के सहयोग से हर कार्य होता है यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।